कराहल में समूह के नाम पर चल रहा है महालूट का खेला। स्वयं सहायता समूह के विकास के दावे झूठे हैं, ये बेबस महिलाएं सच बयां कर रही हैं। खबर कराहल से है, जहां ग्राम गोरस की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने नारेबाजी करते हुए बड़े ही गंभीर आरोप लगाते हुए हमें बताया कि हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने हम महिलाओं के विकास के लिए जो योजनाएँ बनाई हैं उन योजनाओं के रुपयों का बंदरबाट कर दिया जाता है। हम अनपढ़ महिलाएँ हैं, हमसे समूह के सचिव अध्यक्ष द्वारा गुमराह करके हस्ताक्षर करवा लिए जाते हैं और समूह की राशि का हरण कर लिया जाता है। हमारे नाम पर लोन निकाल ले जाते हैं और थोड़े रुपए हमें देकर सारी रकम खुद रख लेते हैं। अब लोन हम कैसे चुकाएंगे? कई बार शिकायत की गई, कोई सुनवाई नहीं करता है। इन सब के पीछे बड़े अधिकारी भी शामिल हैं जो समूह के सचिव अध्यक्ष से मिलकर हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। सरकार हम महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, मगर ये दलाल स्तर के अधिकारी हम तक लाभ नहीं पहुंचने दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अब कराहल आए तो हमको बोलने नहीं दिया और मोदी जी के आगे लक्ष्यदार भाषण बोला गया जो बिल्कुल झूठा था। हकीकत में हम महिलाओं की कोई भी आमदनी नहीं है। अब इसकी शिकायत हम श्योपुर कलेक्टर संजय कुमार से करेंगे। जब हमने इस विषय पर इसके नोडल अधिकारी रामराज मीणा से बात की तो उन्होंने सभी समस्याओं के समाधान करने की बात कही। क्या नाम है आपका? अनारकली। क्या परेशानी है आपको? परेशानी हमारे सिम उबारी पे एक पे निकलिया 1.5 लाख कर जो, और एक पे निकलिया 15,000, वो हमारे सिम में भी नहीं जोड़ी पहले और अटक गई पर बाकी पैसा निकाले कौन है? कितने रुपए निकाल लिए गए? 1.5 लाख 15,000। कितनी महिलाएं इस समूह में? 10। तो जो 10 महिलाओं के पैसे निकाले गए, आपने किसी अधिकारी से बात की इस विषय में? करता तो कोई हमारी सुनवाई नहीं करे, हम अनपढ़ है, मीणा सर का गए तो कोई नहीं, और हमारा सिम बंद और कर दा फिर उन्हें अब दोबारा चालू करो है अमन ने यो सिम। तो आपको किस पर शक है, किस पर आप आरोप लगा रही हैं? अमन के लिए शक है बाप है सुनीता पे, क्योंकि वो अलकार का बगात है और अंगूठा दस्तखत करवा के सर और हमारे रजिस्टर और खाते की किताब बाक है ये 10 साल से, और मोदी कह गई मैं शिकायत लेकर तो मैं बिन के चमचा है नहीं बे बिन के ग्रोप के जिनने मैं नहीं जान दे कागज लेकर, तो मोदी भाई की कौन सी गलती हो गई? नहीं मोदी भाई तो हमारी सुन तो, और आज तक हमारे बाकी भी पैसा नहीं डर रहे मोदी के भी। आप जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी आए थे कराल में, तो जो स्वयं सहायता समूह ने जो उनका स्वागत किया था, जो आप कह रही हैं सुनीता, उन्होंने वहाँ भाषण दिया था, उन्होंने कहा था कि आपको 1,000 रुपये पर डे की आय हो रही है प्रतिदिन, क्या आपको आय नहीं हो रही है 1,000 रुपये? 1 रुपया की भी मजूरी नहीं हुई बे, तो झूठ बोली बे, मैं बह सामने चली जाती तो बह तूप देती भाई है, कौन सी महिला से इतनी महिला से तुम फोटो खींच के पूछ सकता है क्या कोई पे भी लाभ आ हुआ है? तो बे तो कैसे खाको माल है इन अमन ने कहा ले ला हुआ गो ट्रैक्टर कैसे आ गए हो? बाको आदमी तो सस्पेंड डरो 10-20 साल से, तो माने कैसे कमाला और कैसे ऐश करती फिर रही है, और अमन पे कर्जा लद है जो कोई मतलब है, है? कैसे ट्रैक्टर खरीद ला हुआ है और नो कही बिन्ना सर अन्ना का ट्रैक्टर आ गो ते मेरे पास सिमू साथ ऐसे करते मैं खा गए हमारा जमीन कभी खाद के कट्टा भी नहीं दबाया वाला मोड़े पे भी कह सकते सुनीता के पे हम, और हम तो अठावो चार है भैया सुनीता है। आप जो इतना बड़ा आरोप लगा रही हैं, क्या इसमें इनके अलावा अधिकारियों का साथ हाथ नहीं होगा इस काम में? अधिकारी इनको हाथ है जब तो भैया ही ताड़े कर ही रहे, कल भी हम मीटिंग में गए तो हम तो बेटा आंदा फिर हम बेले क्यों करे, बेई बेई कह रहे कि हम तो पढ़िया बनाओ भागवती कौन सी पढ़ी लिखी है का बिन्ना तो हटाने रहे सरपंची को 5 साल में चुनाव होता है तो ऐसे यो चुनाव करो तो हम क्यों बिठाने भैया वो क्यों कर दे टाड़ी, और जो वोट डरवा तो वो फर्जी वोट डरवा दे, हम अनपढ़ है हम तो भगा दे, कल किराए के लिए अभी पैसा नहीं दे रहे थे हम अनकल बड़ी मुश्किल से लड़का किराव लाओ मन ने, मतलब आपकी मत का प्रयोग ना करते हुए फर्जी वोट डलाए जा रहे हैं और दोबारा उन्हीं को चुना जा रहा है? हाँ भाई यही चुनाया जा रहा है, और जो अमन ने सदस्य खड़ी करी बाकले तो आज तक चार्ज दयो भी नहीं है, पहले भी मीडियो बारे आए तब और ना कछु भी नहीं, क्योंकि अमन पे पैसा नहीं है तो हमारी कोई सुनवाई नहीं है। आप अभी किस पद पर हैं? मैं देचूं। किसकी? बाकी सरस्वती सिमू की। तो वो समूह बंद है या चालू है? चालू है वो, अब चालू करवाया वो 6 महीना। कब से बंद था ये समूह? 10 साल से बंद है वो, राबाल भी और रजिस्टर भी नहीं दाए और किताब तो लड़ कर लिया हमारी अमन ने, नहीं तो हम सदस्य तो हम जा सकते बैंक में, पहले पैसा कैसे लिखा पड़ी से निकल जाते। आपकी प्रमुख मांग क्या है, क्या चाहती हो आप? हम सुनीता है हटा वो चाहते है
ग्राम संगठन के पैसा खा लाया वो बे बा को वो ले वो जाते हैं लेंगे वो हिसाब किताब बेकार पूछे निकाल लेते अमन से कोई पूछताछ नहीं आदि कोई अमन में से कोई निकालती तो कचू भी तो हम फसल कर सकते नहीं सर मैंने कैसे के ग्राम संगठन में देख सर तीन चार बार मेरा समूचा लगायो अब वहां से मेरा नाम कटवा देती जो अब मैंने बोली सुनीता मेरा नाम क्यों नहीं ले रहे तुम मेरा नाम ले लो हमें तो मैं तो ले ही नहीं रही नहीं मेरे से क्या जलावट रहेगी इसको है मेरे से क्या जलावट रहेगी मैंने बोली सास की बदल पे भी मेरा नाम नहीं लाए वहां ना सुनीता ने तो मेरे को मान ने टोक ले के बोलन लगी अरे के तेरे को तो नहीं लाऊ भाई मैं मुझसे कौन सी गलती हो गई मैंने कहा कौन सी गलती कर रही मैंने सच्चाई की बात करी थी तो मेरे को मानने के लिए आ गए नहीं है मैं समूह नहीं चला सकती है जो बात को मेरे को वो नहीं यहाँ का अधिकार ऊपर से ऑर्डर आयो मोदी भाई ने ऐसे बोली वृद्ध महिला को मत छोड़ो सामून में तो मेरा तो सामून मेरा नाम नहीं जोड़ो है और मैं गई तो मीणा सर ने भी कही तो मैं फाइल लेकर सर मैं रजिस्टर में नाम चढ़ा दो अरे एक मीटिंग लेंगे मीटिंग ले कहीं की मीटिंग लेगा तुम है कहीं की मीटिंग लेगे आपको क्या लगता है ये मीणा सर जो आप नाम ले रही हैं बार बार ये मीणा सर भी इनके साथ मिले हुए हैं सर मिले भाई है पूरी भक्त है जिनकी पूरी बॉय है कि मीणा सर हमें घुमा फरा रहा है मीणा सर हम भी और सुनीता से जो पूछी हो सुनीता जाना पूरी जनता क्यों रुआण दे है मोदी के ना आए मोदी मोदी हमारे भाई मोदी भी आए चाहे ते बिन ने कैसे गलत भाषण दे दाए है हाँ तो जी गाड़ी कैसे खरीद लाई है ट्रैक्टर कैसे ले लायो और जो बोर की भी जो समून की बोर हैगी तो जामे भी तो कोई लाभ लेगी महिला ने जो ट्रैक्टर की भी तो लाभ लेगी महिला ने महिला को पूर्व उड़ रहा है जमीन खरीदी तो वहां में भी तो कंट्रोल को भी कोई लाभ ले रही सारे है? अब इसमें आप जी कह रही है जो गाड़ी खरीदी गई है ट्रैक्टर खरीदे गए हैं जमीन खरीदी गई है वो समूह के नाम पे खरीदी गई है तो आपका कोई लाभ नहीं मिल रहा उसमें कोई लाभ नहीं है समूह के नाम पे ऊपर से ऑर्डर आयो चलो क्या नाम है आपका सावित्री किस समूह से हो आप सत्यनारायण से क्या परेशानी है आपकी परेशानी हमारी ये है कि मतलब ग्राम संगठन को जो पैसा आया है नी उस पैसा को हमें मालूम नहीं है मतलब कि जी किस तरीके से पैसा निकाल लेता है और किस तरीके से नहीं निकालती है जी इतना पैसा आता है समूह के नाम पर आप समूह की सदस्य हो आपको नहीं बताया जाता है पैसा किस बात का आ रहा है नहीं बताया हमका जी उस पैसे का उपयोग कहाँ पे करते हैं ये लोग जी हमें मालूम नहीं है वो कहाँ उपयोग कर रही है कहाँ नहीं कर रही मतलब जनता को बताती नहीं है इस पैसा यानी आपका कहना है कि जो जनता के लिए मुख्यमंत्री जी पैसे भेजते हैं उस पैसे का पता भी नहीं चलता वो पैसा कहाँ चला जाता है उस पैसा को मतलब पता नहीं चलता है कि वो पैसा कहाँ चला जाता है कहाँ नहीं जाता है और क्या शिकायतें हैं और जो शिकायत है मतलब कि हमारी महिला मतलब किसी के साथ में ऐसा हो रहा है कि मतलब उसी ने पैसा नहीं लिया है और उसी के नाम पर पैसा चढ़ रहे हैं और कुछ समूह चल रहे हैं और कुछ समूह मतलब बंद है मतलब आपका कहना ये है कि बंद समूह के वही पैसा निकाल लिया जा रहा है चालू समूह में महिलाओं के नाम पैसे चढ़ रहे हैं महिलाओं को नहीं दिए जा रहे हैं इसकी शिकायत आपने अपने अधिकारी से की नहीं की आपने क्यों अधिकारियों से शिकायत नहीं की ये सुनते नहीं है हमारी क्यों सुनते नहीं है हम जवाब देते हैं उनका तो भी मतलब कुछ बात ही नहीं कहते हैं दोबारा मीणा सर की आप इतने सब लोग मीणा सर की कह रहे हैं मीणा सर क्या उनके साथ मिले हुए हैं वे मीणा सर मैं सचिव हूँ मतलब ग्राम संगठन की सचिव हूँ मतलब मैं पूरे गांव की ने मैं सचिव बना दई मतलब अब चार्ज नहीं दे रही मेरे काज आपका चार्ज क्यों नहीं ना मीणा सर शान कर रहे मीणा सर हमको घुमा फिरा रहे हैं ऐसे बोल रहे हैं हमसे आपको मतलब चार्ज नहीं दिया जा रहा है जबकि आप सचिव हो हाँ सचिव हूँ मैं क्यों नहीं दिया जा रहा है चार्ज क्या कारण है इसके पीछे अब इसको तो मालूम नहीं है सर उनकी मिली जुड़ी सरकार है तो वे इसलिए चार्ज नहीं दे पा रहे मतलब और ये सब बोलते हैं कि मतलब जो कुछ नहीं जानती है ये शिकायत आपकी बहुत शिकायतें हैं इन शिकायतों का निराकरण यहाँ तो नहीं हुआ है आप आगे क्या करेंगे अब हम मतलब कलेक्टर साहब के जाएंगे शिकायत करने के लिए हमारी कोई सुन नहीं रहा नहीं अब नहीं भाई क्या परेशानी है आपको परेशानी हो सर हमारी सुनवाई नहीं करे ऐसे नहीं करे अब जी कर सुनीता है ना सिमो चुने जो तो सुनीता से शिकायत करेंगे नहीं और से कोई से शिकायत नहीं करा और सुनीता का जामा तो सुनीता हम पलकार का भगाती है और दस्तखत करवावे जामा तो मीणा सर मना कर देता है।
क्या मतलब मीणा सर मना कर देती हैं, क्या साइन कराने जाती हूँ, मतलब पूरी बात थोड़ा संक्षेप में बताओ। पूरी बात यो ही है, हम सुनीता है हटाना चाहता है, हम योजनाओं का लाभ नहीं दिला रही है, वो योजना को लाभ दुआ ही नहीं रही, नहीं CCL का पैसा न वही रख रही है। तो आपने तो उनको भाषण के लिए चुना था, भाषण आपकी तरफ सुनी ने दिया था, सुनीता ने गलत भाषण दिया चाहिए, बहुत अत्याचार कर रही है। अब यो भाषण दिया जाए, हम महिला पूछ लो, कोई महिलाएं है सेंटर चला रही है तो उसकी भोजन चला रही है, उसकी घर की चला रही है, हानि और 50-60 लाख है और 40,000 रुपया सेंटर का आया चाहे तो सुनीता ना खा लिया। कल मीटिंग में जाकर सुनी थी हमने, और हम पर इनको पतो ही नहीं है, और इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही, और फ्री को गल्ला है तो बांट रही है चाहे, और पैसान को गल्लो आ रही जी नहीं दे रही सुनीता। कलेक्टर कहीं शिकायत करेंगे, अब सुनी तुम नहीं करेगा सुनवाई तो हम कलेक्टर कहीं जाएंगे। गोरस नहीं, जो जो शिकायत आपको है इस सुनीता की आप शिकायत कर रही हैं, अधिकारियों की भी तो आप शामिल होंगे इसमें। अधिकारी वही चमीना सर, और कोई है नहीं है, और न जानते नहीं, हम लिखे पीड़ा है नहीं है, जगलक हम बाँच कर उनको बता दे माँ, यही सकत यही चमता है बेस। क्या नाम है आपका? कृष्णा। जोर से बोलो, क्या परेशानी है आपको? जैसे जिसने ये मोदी जी आए नहीं वहाँ पर भाषण दिए, वो भाषण इनके सब गलत थे, जैसे कि जैसे हमारे गांव में बहुत सारी महिला गरीब है, अब जैसे इन्होंने भाषण दिए का हम 1,000 महीने दिन कुमा रहे हैं, अब जैसे एक हज़ार रुपया दिन तो कुमा ही नहीं रहे, बहुत सारी महिला गरीब है बहुत ही, अब ये तो भाषण ये इसका ट्रैक्टर उठाया और जीप उठी है, इनका कुछ कारण होगा जब ही तो उठाया नहीं, जैसे इनके पास ऐसे इतने पैसे कहाँ से आए, जब भी सिम्मू वाले इनके ही पैसे होंगे तब तो ये उठाए है, ऐसे तो ये उठा नहीं सकती, क्योंकि इनके पति है वो बहुत सालों से तो बेरोजगारी पड़े हैं, उनकी कोई नौकरी नहीं है तो कहाँ से आ रहे हैं ये पैसा है, जे पैसे भी तो आ रहे होंगे, वे भी तो कहीं से आ रहे होंगे, सस्पेंड पड़े हैं इनके पति है जे, और जे पड़ी है जे मायके में है, अब जे भी ना तो इनके पास जमी है ना इनके पास कुछ भी नहीं है, तो फिर ये पैसे भी तो आ रहे होंगे कहाँ से आ रहे, जैसे गरीब महिला ची सारी गरीब महिला ची, इनका जे मोदी भाई के पैसे मिल रहे थे वो भी बंद करा दे गए, अब वे भी तो कहाँ से, वे हमारे कोई कई पैसे नहीं मिल रहे कोई भी महिला के। आपने जनपद में भी शिकायत की होगी अधिकारी से, क्या कहा अधिकारियों ने आपसे? अधिकारी ने क्या कहे, अधिकारी तो न्यू ही बोलते है का तुम तो अमीर हो है, तुम्हें पैसे कहाँ से मिलेंगे, अब जबकि बहुत सारी महिला गरीब है, अब अमीर कहाँ से हो जाएगी, वे 1,000 रुपया दिन कहाँ से कमा लेगी बेचारी, कोई क्या एक दिन का भी खाने का नहीं मिलता, कोई क्या तो 2 दिन का खाने का नहीं मिलता, कोई एक टाइम भूखी सोती है कोई प्यासी सोती है, जे की भी इन सोची नहीं, मतलब इन्होंने तो सुनीता दीदी ने तो इनकी तो खूब खोल दी काम, अमीर हो गए सिम्मू में से, और बहुत सारी महिला तो गरीब बना दे नहीं, वे तो सपा गरीब है बेचारी, उनको तो कुछ है ही नहीं है। आपका कहने का मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री कराल आए थे तो उनको केवल झूठी कहानी सुनाई गई है ना, और महिलाएं आज भी गरीब स्तर में जी रही हैं, उनको कोई ऐसे 1 रुपए रोज नहीं मिलती है, यही कहना चाहती हैं आप? यही कहना चाहते हैं, जैसे जो महिला है ये सारी गरीब है जो कोई भी नहीं कुमारी, और जैसे जो सेंटर आ रहा है ये सब कुछ आ रहा है, जे इनकी मिली भाई महिलाएं नहीं वो चला रही है, और जैसे बहुत सारी महिला गरीब है उनको कोई पे भी चार्ज नहीं आ रहा, वे ऐसे है ने पहले भी अंदर नहीं बनाया हमरो से और वो ईमानदार है तो भैया वो कोई कारण पहले हट गए हो, फिर वो दोबारा वो चालू हो तो बानी चालू करवाया हमारे सिम्मू से, और सुनीता ने बंद कर रहा है सर, और वो ईमानदार है और उसके लिए चप्पल जूता मारवे दौड़ रही वो के तो उसके लिए हटा के मानू के जे बात है, और वो ईमानदार है, और पहले भी वो हमने बामे वन समिति में भी हमने खड़ो करो पूरे गाँव के न दे तो बाल अब तक भी चार्ज ना खाते से जोड़ो ना कचू से नहीं जोड़ो इंदर को। आपके नाम पे इतना सारा पैसा शासन से डाला जाता है, आपको पैसा मिलता है क्या? नहीं मिले, कोई पैसे नहीं मिले, कोई से भी ना, यो सिम्मू में मिल रहा है
और ना मोदी भाई के भाषण में झूठे दे। और जब से भाषण लगे जब से पूरी महिला के पैसा बन रहे हमारे, मोदी भाई के पैसा भी नहीं मिल रहा है। मतलब मोदी जी के यहाँ जब से भाषण आए तब से आपके जो पैसे आते थे वो भी बंद हो गए। वो भी बंद हो गए सर। वे मोदी कैसे पैसा आते नहीं, वे भी बंद हो गए। मोदी भाई कैसे पैसा, 1,000 वे भी बंद हो गए। और जो इंदर तो वो बहुत ही ईमानदार है भाई है, इसलिए हटाना चाह रहे हैं क्योंकि वो उजना बता रहा पैसा निकल गए हमारे थे। जैसे वो बढ़िया था वो चाह रहे थे, वो ईमानदार ईमानदार 10 महल आन के क्या नाम है आपका? गुलाब भाई। कौन सा समूह है आपका? इंदिरा गांधी। क्या परेशानी है आपको? क्या परेशानी है हमारी? इतने दो बार पाल भर दे थे, 3 पाल भर दे, वो जमा ही नहीं करे बैंक में। क्यों जमा नहीं होती? पता नहीं ऐसे ही तो कैसे जमा नहीं हो हमारे पाल। आपको क्या लगता है आप किसकी शिकायत करने आई हैं? सुनीता की। क्या कर दिया उन्होंने? सुनीता हमारे पाल ही जमा नहीं करे, पैसा जमा नहीं करे, CCL को पैसा आ गया हमारो। आपके साथ क्यों करती है वो ऐसा? पता नहीं कैसे सर से मना कर दी है। कौन से सर से? मीणा सर से। मीणा सर कौन है? हमारा अधिकारी है, उनसे कह दिया मना कर दिया, श्यान नहीं करा। हाँ क्या नाम है आपका? रामबती। क्या परेशानी है आपको? जो परेशानी है का बहुत पुराना सिम है और पैसा निकाल भी जाता है और हम पैसा भर भर का होते हो जाता है और वे भरन देन करो और फालन न फेंक देते हैं वो। नहीं आपकी फाइल क्यों फेंक दी जाती है आपने पूछा? पूछी मैंने की सनीता मारो सिम को काल है नहीं है, कुछ भी कछु भी नहीं है ऐसा करते था। और 2,50,000 को चेक दवायो काल में और भाई किनो के दई के भाई के जो का वैसे कागज दे दा का और बाने ले ले बे पैसा खड़ा ले। सनीता का चेक जो आपके नाम था वो कौन ने निकाल लिया? सनीता ने। उनने क्यों निकाला? अब पता नहीं है, मन पर दस्तखत करवा ले, अंगूठा लगवा ले, वो ले गई अधिकारी का। आपने इसकी शिकायत की? कर नहीं करी, खाली कागज पर ले गई वो। हम का 2,50,000 रुपए निकाल लिए निकाल ले। हाँ कितनी महिलाओं की थे? 2,50,000 रुपए। हाँ 2,50,000 रुपए। 20 अन के? अच्छा 20 महिलाओं के 2,50,000 रुपए निकाल लिए। निकाल आपको रुपए नहीं मिले? नहीं मिले है। खाली कागज लिया खाली तो बाको आज तक चार्ज नहीं दवा है और ना है बाकी कोई वो नहीं। हमने पूरे दिन बना और 6 हो गए आज तक ना वो खाते में जोड़ हुआ है। तो आपको क्या लगता है इसमें बड़े जो तुम्हारे संस्था के अधिकारियों की मिली भगत? मिली भगत होगी इनकी, सबन की मिली भगत। तो बाको कोई निर्णय नहीं हो रहा है क्योंकि हम अनपढ़ है, बतराव नहीं जाने, सिर्फ पेट ही जानते हैं हम बतराव। यानी मिली भगत से मुख्यमंत्री जी के द्वारा भेजे गए रुपयों को ठिकाने लगाए जा रहे हैं सब। और जो यो फाल है तुम देख लो, ये वीडियो में उतार लो क्योंकि यहाँ की कोई सुनवाई नहीं हुई है। कितने इनके दस्तखत हो रहा है, कितने इनकी का हो रहा, यो पूरे गाँव है सिमलत करी। समूह से जुड़ी हैं आप? हम लक्ष्मी समूह से जुड़ी हैं। क्या परेशानी है आपकी? ये परेशानी है का हमारे 80,000 रुपया जमा होया पर की साल, तो हम बार बार कई सुनीता ना का चलो को तुम्हारा पैसा जमा हो गए निकाल लो, अब बैंक पे जा तो बैंक वाले पैसा नहीं निकाले। फिर दोबारा गए 80,000 में से रह गए 74,000 रुपया। फिर कही के अगली बार आना का जब निकलेगा, फिर गए तो 50,000 रुपया रह गए। फिर कही के वो तो कह चेक बुक से निकलेगा। तो आपको पैसे मिले या नहीं मिले? नहीं मिले सर पैसे। मतलब आपको केवल घुमाया गया पैसे निकलेंगे, पैसे नहीं मिले आपको? 10 बैंक में होया है पैसे नहीं मिले। आपके नाम से पैसे आए थे? हमारे नाम से पैसा आया लक्ष्मी। और क्या मुख्य मांगे आपकी? और का चुनिया मैं तो यही चाहिए कि हमारा तो काम शुद्ध होता रहे है भाई, कोई भी करे काम सही होता रहे हमारा। जब हम इतनी गद्दारी भी नहीं होनी चाहिए, हम तो गरीब आदमी है, तुम हम बचौत करे तो नो कहेगी चलो बचौत करो, तुम बचौत कर देते है। अब फिर बचौत में पैसा की मांग करे तो हमें पैसा ही नहीं मिला, और पैसा भी जमा हो जाता तो बेबी नहीं मिला। आप अधिकारियों के पास भी तो जाती होंगी, अधिकारी क्या कहते हैं? अधिकारी के पास सर कैसा क्या, अधिकारी कोई सुनवाई नहीं करा हमारी। क्या कहते हैं अधिकारी? आप कहती हैं हमारे पैसे नहीं मिल रहे हैं, पैसे निकाल लेंगे, अधिकारी क्या कहते हैं इस पर? तो कहता भाई क्यों नहीं मिल रहा है पैसे, बैंक में जाओ। बस ये बोलता बैंक में जाता तो नो क्या यो काम छूट रहा, कोई काम होता है जे ही बता देता है, कछु भी काम नहीं हुआ भले हम पूरी तैयारी कर देंगे पर कछु कछु भी मैं कमी बता दे रहे। आपके कहने का मतलब है आपके नाम पे जो पैसे आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कोई उन रुपयों को खा रहा है, आप तक वो पैसे नहीं पहुंच रहे? नहीं पहुंच रहे सर, हमन तक पैसा पहुंच ही नहीं रहा। मतलब हमें एक बार भी पैसा नहीं मिलो अब तक, हमारा समूह को लक्ष्मी समूह को नहीं मिलो पैसा। लक्ष्मी समूह के नाम पे पैसे आए हैं लेकिन पैसा आया पर पैसा नहीं मिले। हम भी एक बार 50,000 रुपया दिया
50,000 रुपया दिया और हमारा कर्जवान खुल रहा 2,00,000 रुपया। अब मांग रही आज सुनीता मना ही कर रही है, नो कह रही है तुम्हारा घर में मेरे आदमी दे रही है तो भी पैसा नहीं दबा सकते। मतलब आप पे 2,00,000 का कर्ज निकल रहा है और आपको 50,000 रुपए दी गई, आपने शिकायत क्यों नहीं की इस बात? शिकायत कौन से कराया मिलते के माँ जी, ये सुनाई नहीं कराया हमारी। तो आपको क्या लग रहा है आपके 1,50,000 रुपए कौन खा गया? हम भी क्या पता कौन खा गया, तो आपको भरना पड़ेगा ना। तो हम किसे भरंगा, नहीं आ तो क्यों भरंगा? अब आप इसकी शिकायत कहाँ करोगे? मैं ना नौकरी सुनीता से, मारो घर में आदमी बीमार पड़े हुआ, मुँह पे ना पैसा दुआ दो, कर्ज होगा मुँह पाओगा मुँह भरंगू, पर सुनीता नौकरी आदमी मर जा तो भी पैसा नहीं दबाऊंगा।